बागवान साथियों नमस्कार, मैं महाराज सिंह चंबा साउथ से। मैं आपको कीवी के बारे में पहले भी कई वीडियो डाली हुई है। आज मैं आपको मेन जो कीवी के लिए चाहिए होता है पोल, उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कृपया मेरी वीडियो जो है ध्यान से लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरे को अच्छी वीडियो लगे मैं आपको शेयर कर सकूँ। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि भाई जो हमारा पोल रहता है कीवी के लिए वो कैसा होना चाहिए। तो देखिए ये है पोल, ये 50 mm का चैनल है। इससे टी नुमा बनाया जाता है ताकि इसके ऊपर से जो तारे हैं वो हम दे सकें। 3 से 5 तारे जो भी देना चाहें हम दे सकते हैं, उसके ऊपर से जो है कीवी अच्छे से चलती है, चलानी पड़ती है। तो ये है पोल बेस, जिसे हमने 2.5 फुट तक नीचे जो है गहरा गड्ढा खोद के रखा है। इसमें बजरी डालेंगे और ये जो पोल रखा हुआ है इसको हम गाड़ देंगे। इस पोल के नीचे ये पकड़ के लिए ये सपोर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि बजरी इसको पकड़ के रखेगी और पोल को झुकने नहीं देगी, गिरने नहीं देगी। ये समूता कीवी का एंगल पोल, और इसे आज ही जो है एक बागवानी साथी हमारे वो लगा रहे हैं। ये है इनका कीवी का बगीचा, पहले इन्होंने पाइप पे इसको हैंग करके रखा था। ये मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको, ये है कीवी का पौधा जो इन्होंने पिछले साल लगाया था। इसको टेम्परेरी इन्होंने ये पाइप के सारे खड़ा करके रखा था ये पौधा, और अब जो है इसे ये एंगल चैनल दे रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब ज़रूरी एक वीडियो है, क्योंकि जो नया नया काम करता है कीवी का फार्म उसको पता नहीं होता करना क्या है। तो कृपया इसे ध्यान में रखें कि टी जो है इस तरीके की बनती है, और ऐसे करके ये पौधा स्टैंड हो जाएगा। और जो आपकी कीवी किया जो पौधा है वो इन दो पोलों के सेंटर में आना चाहिए, जैसे ये है ये एंगल ये पौधा और उसके बाद फिर एंगल। तो ये जो स्पेस रहता है ये पौधे के दोनों तरफ जो है ये 6 मीटर सारा होता है एंगल टू एंगल, और पौधा जो है 3 मीटर पे सेंटर पे आता है। तो जो पौधे की एक आर्म है उसको हमें 3 मीटर दूसरे पोल तक छोड़ना है, और दूसरी तरफ का जो एंगल है उसकी तरफ भी 3 मीटर, 3 मीटर मतलब 6 मीटर। तो पौधा चला गया आपका सेंटर से 3 मीटर एक तरफ को और 3 मीटर दूसरी तरफ को। तो समझो आपका जो स्ट्रक्चर है ये देखिए, जैसे ये 3 मीटर का स्पेस रहा और ये 3 मीटर का स्पेस रहा। तो इस तरीके से जो है आपने अपना जो है स्ट्रक्चर बनाना है, और कीवी को यही स्ट्रक्चर जो है वो लगता है। इसको हाईटेक करके बोलते हैं, जो मतलब साइंटिफिक एक थ्योरी है। बाकी देसी जुगाड़ के भी होते हैं बगीचे, उनके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन उनको तारों के सहारे से ही चलाते हैं। ये भी तारों के सहारे से ही चलता है, लेकिन ये चैनल गार्डर पे होता है, और वो जो देसी होता है वो उसको पौधे पे तारे बांध के चलाते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, और किसान भाइयों बागवान भाइयों हो सके तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे को कमेंट भी करें कि भाई कि कोई होता ही है कभी ना कभी कोई कई कारणवश कि भाई इसके बारे में मेरे को पता नहीं लगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो इसी के साथ एक बार फिर आपका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भगवान, जय हिमाचल, जय चंबा, धन्यवाद।